हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का naukrikhabar.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से आ चुकी साल 2022 के लिए नई सीधी भर्ती के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के साथ साथ अकाउंटेंट और भी कई सारी पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। दोस्तों, ग्रामीण विकास विभाग के तहत आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर गांव या जिले में सरकारी नौकरी मिलती है, जहां पे आप सभी के लिए भर्तियों के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। आगे आपको बताएंगे कंप्लीट डिटेल इस वैकेंसी की। अगर आपको कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट या फिर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जैसे पदों पर आवेदन करके साल 2022 के अंदर ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग में सरकारी नौकरी पानी है, तो आप लोग आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरी आखिरी तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करने के बाद आगे आने वाली वीडियो की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले आपको इस वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी देना चाहूंगा, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं और बिना किसी डाउट के आवेदन करके जॉब पा सकें। पहली और सबसे अच्छी बड़ी खास बात यह कि आपको ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से भर्तियों के नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाले हैं, जहां पे आपको ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के साथ अकाउंटेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर जैसी पोस्टें मिलेंगी, जिनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी नॉर्मल सा 10वीं और 12वीं पास रखा गया है। अगर आपको गाँव या जिले के अंदर एक अच्छी सी पोस्ट में जॉब चाहिए, तो आपके लिए बड़ा मौका आ चुका है। आपको बता दें कि आवेदन करने वालों की उम्र 18 से लेकर 45 साल तक की होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदन शुल्क बिल्कुल फ्री है, आप लोग निःशुल्क ही आवेदन कर पाएंगे। ऑल इंडिया लेवल की जॉब मिलेगी, जिसके लिए महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना होगा, नोटिफिकेशन कहां से डाउनलोड करेंगे, इसके बारे में आपको आगे जानकारी दी जाएगी। इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए आपको वीडियो में आखिरी तक जरूर से बने रहना है, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो पाए। तो चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं, उसके बाद आपको कंप्लीट जानकारी दे देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहां पे देख सकते हैं हमारा नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, जिला ग्रामीण विकास, और यहां पे देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत, यहां पे मनरेगा के अंतर्गत ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसके लिए आपको आवेदन करना होगा। तो चलिए इसकी पूरी डिटेल को चेकआउट करते हैं। यहाँ से जब आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो बात करें, सबसे पहली नंबर जो वैकेंसी आपको मिलेगी, पद नेम के अंदर देख सकते हैं प्रखंड समन्वयक, यानी कि यहाँ पर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की पोस्टें हैं, जहाँ पर आपको वेतन 18,000 रुपए तक दिया जाएगा। सेकंड नंबर जो वैकेंसी मिल रही है, इसके अंदर आपको लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर, इट मींस कि यहां पे आपको अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्टें मिलेंगी, जहां पे वेतन आपको 10,000 रुपए पर मंथ का देखने को मिलने वाला है। बात करें उम्र के बारे में, तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए 22 से 45 साल की उम्र होनी चाहिए, और अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 18 से 30 साल की उम्र होनी चाहिए। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पर पोस्ट के लिए आवेदन वो लोग कर पाएंगे जो स्नातक यानी के ग्रेजुएट हैं, और जो कंप्यूटर ऑपरेटर या अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनका यहाँ पे इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 12वीं पास होना चाहिए। साथ में 6 महीने यहाँ पे उनको DCA कंप्यूटर की एक नॉर्मल सर्टिफिकेट होती है, वो भी यहाँ पे चाहिए होगा। बात करें कब से लेकर कब तक आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन आपको 29 अक्टूबर से लेकर 19 नवम्बर 2022 तक करने हैं। यहाँ पर नीचे आएंगे, आपको इस वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। 1/8/2021 से आयु की गणना करी जाएगी। साथ यहां पे आपको यह बताया गया है कि मैट्रिक यानी कि 10th पास और 12th पास कैंडिडेट यहां पे उपयुक्त योग्यता है, जो कि आवेदन करने के लिए है। और इसके बाद यहां पे आपका चयन कैसे होगा, इसके बारे में भी बताया गया है। एग्जाम और यहां पे मेरिट सूची यानी कि मेधा सूची के अंतर्गत आप सभी का चयन होना है। तो कैसे, कितने नंबर कहां मिलेंगे, इसके लिए आप लोगों को नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके चेकआउट करना होगा। यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है कैसे कैसे, अगर दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की मेधा सूची टाई होती है यानी कि एक साथ एक नंबर पे आते हैं, तो कैसे कैसे आपका चयन होगा, इसके बारे में बताया गया है। साथ में अगर आप लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे, तो आपको और भी ज़्यादा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जहाँ से आप लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आवेदन आपको करने होंगे, ऑनलाइन ही भरा जाना अनिवार्य है, इसके बारे में आपको
बताया जाएगा, और अगर आप लोग गलत आवेदन करेंगे, गलत जानकारी देंगे, तो आपके आवेदन कैंसिल भी किए जाएंगे। तो सारी चीज़ों को देख के आवेदन करिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से आ चुकी साल 2022 के लिए नई भर्ती के बारे में, जिसका कंप्लीट नोटिफिकेशन मैंने आप सभी को दिखा दिया है। अब बचा है नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक और आवेदन करने का लिंक, कहां से मिलेगा इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जहाँ पर आपको कंप्यूटर ऑपरेटर कम अकाउंटेंट और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जैसी पोस्टें मिलेंगी, जहाँ पर वेतन आपका पहले ही फिक्स किया गया है, लगभग 18,000 तक आपको वेतन भी दिया जाएगा। मेल फीमेल दोनों लोग ट्राई कर सकते हैं, दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं, और साथ ही साथ ऑल इंडिया लेवल की जॉब के साथ 18 से 45 साल की एज भी रखी गई है दोनों पोस्टों के लिए। यहां पे आवेदन करने वाले कैंडिडेट को कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, कुछ गलतियां जो है तो रिपीट नहीं करनी है, जिस वजह से आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाए, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। यहां तक वीडियो देखा है, पसंद आई है, वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही गवर्नमेंट और जॉब की अपडेट आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। चले चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक और ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों, आपको आवेदन करने का नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं, फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दिया जाएगा, तो क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद देख सकते हैं ग्रामीण विकास विभाग भर्ती 2022 के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप लोग rozgarjnan.com की वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद देखिए वैकेंसी डिटेल है, जहाँ पे आपको वेरियस नंबर ऑफ पोस्टें मिलेंगी, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की और अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्टें आपको देखने को मिलने वाली हैं। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो फॉर्म भरे जाने ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, जो कि आने वाली 19 नवंबर 2022 तक भरे जाएंगे। आपको इसी के अकॉर्डिंग फॉर्म को आवेदन करना होगा। इसके बाद आपकी एज 18 से लेकर 45 साल की होने वाली है। अप्लीकेशन फ़ीस बिल्कुल फ्री है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट क्यों ना हो, आप लोग निःशुल्क आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद बात करें कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, तो ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से भर्तियाँ हैं। वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बात करें वेतन के बारे में, वेतन आपको 10,000 रुपये से लेकर 18,000 रुपये पर मंथ का यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा। साथ ही साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एजुकेशन की बात करें तो 10-12 डिप्लोमा ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पे अलग अलग पोस्ट वैकेंसीज के लिए आवेदन कर पाएंगे। कैसे आपको आवेदन करना होगा, यहाँ पे देखें आप लोग आने वाली 19 नवंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका चयन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस है। यहाँ पे आपका चयन एग्ज़ाम और मेरिट के बेसिस पे होने वाला है। यहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद बात करें इंपॉर्टेंट लिंक्स के बारे में, यहाँ पे आपको rozgarjnan.com का लिंक मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आवेदन करने का और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक है, आप लोग इसको ज़रूर से चेकआउट करें। उसके बाद यहाँ से जब नीचे आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है, रोजगार ज्ञान की वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे जब आप लोग आएंगे और स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं ग्रामीण विकास विभाग के रिक्रूटमेंट है। अगर अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर करें, टेलीग्राम ग्रुप को भी करें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यहाँ से आपको नीचे आना है, नीचे आने पर आपको इस वैकेंसी की कंप्लीट अपडेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सारी चीज़ों को चेकआउट करने के बाद अगर आप लोग एलिजिबल होते हैं तो आपको आवेदन करने का लिंक भी दिया गया है। इस लिंक पे क्लिक करके आप लोग आसानी से आवेदन कर सकते हैं या नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर है, आप लोग ज़रूर से एक बार चेकआउट करें, और यहाँ पर आपको डाउनलोड फुल नोटिफिकेशन का लिंक है। एक बार क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के साथ ही आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड के आपके सामने ओपन हो जाएगा। अभी आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, दोनों पोस्टें यहां पे दी गई हैं, लेखापाल से कंप्यूटर ऑपरेटर की और यहां पे प्रखंड समन्वयक की। इसके लिए आपको आवेदन करना होगा, तो दोनों को चेकआउट करें। अगर आप लोग यहां पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर से आवेदन करें। ऐसी भर्तियाँ, ऐसे मौके आपको बार बार देखने को नहीं मिलते। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।